एक पुरुषों में से उस तरफ से, कोई भी युवान बच्चा, लेकिन प्रश्न बहुत ही सधा हुआ होना चाहिए। लो भूत भैया भी आ गए, बताओ इस प्रोग्राम में भी भूत आ गया है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हाँ, भूतपूर्व जवान हो आप, हमने कहा जय हो आपकी, हमने कहा आप भूतपूर्व जवान हो। जी जी महाराज, वर्तमान में तो नहीं हो। इतना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिल गया, बहुत हम तर जाएंगे संसार से। बालाजी कृपा का, पूछो क्या प्रश्न। आपसे प्रार्थना है हाँ, कि मैं एक शिक्षक हूँ और गांव से जाता हूँ, तो एक वन विभाग के किसी भी पशु को कोई दंड या कोई घायल कर देता है तो बहुत बड़ा अपराध दंड मिलता है, उसको सजा मिल जाती है। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि गांव के लोग पशुओं को इतनी त्रासना देते हैं कि मैंने खुद जाकर के एक चुटकी बांधी, उसमें पहले तार बांधा, तार बांध के बाद उसमें रस्सी से बांधा, और रस्सी से बांधने के बाद मैंने उसको कटवाया, लोग बाहर लड़ने के लिए आ गए। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इन पशुओं पर प्रत्येक गांव में जो त्रासनाएं देते उन्हें दंड मिलना चाहिए। दूसरी चीज, जो गौचर की व्यवस्था थी मतपे शासन के द्वारा, वो प्रत्येक गांव में गौचर समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण से हमारा पशुधन आवारा रूप से फैलता है और किसान लोग इन पशुओं को पालने से नकारते हैं, क्योंकि प्रत्येक घर में पशु 24 घंटा नहीं बन सकता है, वो जाकर के गौचर में बन जाता था, उसमें गोबर होता था और गांव के दो लोग पलते थे। तो ये गौचर की व्यवस्था होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुओं को इस प्रकार के दंड देते हैं उन्हें कुछ ना कुछ सजा प्राप्त हो, ऐसा आपका निवेदन है। मास्टर महोदय, ना तो हम पीएम है ना सीएम है, पहली बात तो हम ये प्रार्थना करें। दूसरी बात, हम जगा सकते हैं और जागृति की शुरुआत हम आपसे ही कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जीवों पर दया करना प्रत्येक व्यक्ति सीख जाए, और दूसरी बात ये ग्राम लेवल पर भी किया जा सकता है। अगर हमसे कोई उत्तर मांगे, ग्राम पंचायत लेवल पर भी गांव के लोग एकजुट होकर के इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गांव का ही गोचर भूमि पर कब्जा किए होगा, लेकिन हर गांव के, गांव का हर घर का एक एक व्यक्ति अगर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसके दादा परदादा को भी छोड़नी पड़ेगी। फिर वहां पर जी गुरुदेव, माफी चाहूंगा मैं, टीकमगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी पशु क्रूरता करता है और पशु क्रूरता अधिनियम के दायरे में आता है, तो टीकमगढ़ कलेक्टर ने हमारी डीके विश्वकर्मा जी से बात भी हुई थी इस संबंध में, हमारा डिस्कशन भी हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ गायों को एक आंगनवाड़ी केंद्र में डाल दिया था और वहाँ पर दो गायों की मौत हो गई थी। इसके बाद हमारी डॉक्टर साहब से बात भी हुई थी और डॉक्टर साहब ने कलेक्टर साहब को भी बताया था, तो जिसके बाद यहाँ पे टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी जी ने एक आदेश जारी किया है, अगर कोई ऐसा कार्य कृत्य करता है तो आप जरूर बताएं और उसकी सूचना पुलिस को दें, वो पशु क्रूरता अधिनियम के दायरे में आता है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है ये कलेक्टर महोदय का, जिन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा उपाय और सुझाव बताया। तो क्या नाम है आपका, मास्टर साहब? अब आप जो है ये जो आपने सुन लिया ना, अगर कोई ऐसा करे तो आप अपनी जो है जिस प्रकार हम परेशान होकर के टीम जोड़ रहे हैं ना, आप भी अपनी एक गुप्त टीम बनाइए गांव गांव में, जो भी पशु क्रूरता करे उनका नाम तुम्हारे पास भेजें, तुम कलेक्टर को भेज देना जी।